बहुत ही बेहतरीन आज फील्डिंग एंड बॉलिंग की है किश्तवाड़ ने। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर जम्मू वालों को आज का साथ किसी खिलाड़ी ने दिया, अगर स्कोर 100 होता तो आज किश्तवाड़ आज आपके पसीने छूटते हुए हम देखते। लेकिन क्रेडिट गोल्स जो किश्तवाड़ की बॉलिंग और किश्तवाड़ की जबरदस्त मैनेजमेंट, काफी लोग उनके साथ जुड़े थे, तो एक दूसरे के लिए ताली बजा दो गोश किया। ये एक शुरुआत है, ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये आगे जाके रुका है। मैं यहाँ से आपके माध्यम से पूरे कश्मीर को बोलना चाहता हूँ कि आइए ऐसे ऐसे जो भी ऐसी शुरुआतें हैं उस शुरुआत को साथ दे, इसको हमें इतना साथ दे कि आगे जाने के बाद ये लैंडमार्क फॉर्म जो है, ये शुरुआत जो है, एक हिस्ट्री बनाए। किस चीज़ की हिस्ट्री बनाए? ये उस चीज़ की हिस्ट्री बनाए कि जो आर पार की दीवारें जो लगी हुई हैं, जो किसी लोगों ने, किसी ग्रुप्स ने अपने मकसद के लिए दीवारें बनाई हैं, वो दीवारों को तोड़ा जाए, यहाँ पीस लाया जाए, यहाँ किताब और कॉपी और बैट और बॉल यहाँ दी जाए, यहाँ पे जो हथियार है उसको हटाया जाए, यहाँ परमानेंट पीस आया जाए। और मेरा ये मानना है भाई, एक दरख्त जो है, दरख्त के दो फूल हैं, जो हर कलर का फूल होता है, और जहाँ जब तक हर कलर का फूल उस दरख्त पे नहीं रहेगा तब तक खूबसूरती नहीं रहेगी। हम इस माध्यम से इनवाइट करना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों को, हम मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, सबको इनवाइट करना चाहते हैं कि आज ये जो जगह है, ये पीस की जगह है, ये ऋषि मुनियों की जगह है, हम इसे सब मिलके फिर इस जगह को वही पीस दे दे। कैसे ये आपके जहन में और क्या सोच के आपके जहन में आ गया कि आप छोटे छोटे बच्चों को, पूरे जम्मू कश्मीर को घूमकर छोटे छोटे टीम्स को तैयार करते हैं, फिर उनमें से हीरा तराशने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इसके पीछे क्या राज है? पहले आपका धन्यवाद और आप यहाँ पे आए, और मेरे ख्याल से सवाल किसी आज तक पूछा नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ताकि बच्चों देखो, मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे कि मेरा अपना बचपन तो गया, मैंने अपना बचपन तो देखा नहीं, मेरे से कई लोगों ने अपना बचपन नहीं देखा, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी हिंदू है, नहीं देखा। ये तबाही जो 36 साल की थी, मैं अपने तौर पे कहूँगा कि हे ईश्वर, एक बुरा सपना था, मैंने एक बुरा सपना देखा था, उस बुरे सपने को भूलना चाहता हूँ, और सपने को साकार करने के लिए मैं जो मैंने चीज़ नहीं देखी, अगर मेरे को ईश्वर ने पंकज भाई दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग दिए हैं, और सारे लोग यहाँ पे हैं, तो मैं क्यों ना इसको अच्छी राह में लाऊं। और छोटे छोटे बच्चे जितने भी, आप स्पोर्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट का, क्रिकेट आप अब बच्चे जो आजकल है सारा कुछ, मतलब जैसे मीडिया रहा या बाकी, तो स्पोर्ट्स से फिजिकल एनर्जी जो रहती है, और जब फिजिकली फिट है वो मेंटली फिट है, जो फिजिकली फिट ही नहीं है तो मेंटली फिट कहाँ से होगा। जहाँ से आप, कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं यार, अब इसने जी यहाँ, मैं कल भी कोई व्यूज़ देख रहा था, ये बीजेपी के एजेंट है, कांग्रेस के, भाई मैं वैसा नहीं, मुझे नहीं चाहिए सारा कुछ, मैं उस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, तो ना मुझे ऐसा करना है। सो लैंडमार्क क्राफ्ट ने हमेशा कोशिश की। सिक्रू क्या है? सिक्रू का अर्थ आपने कहा कील है, तो कील का शब्द आपको मैं बोलूँगा ज़रूर, खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद जब ऑर्थो डॉक्टर जो सर्जन होता है, वो जब रॉड जोड़ता है तो सिक्रू का ही काम करता है उसमें, वो सिक्रू का ही काम करता है, और जो सिक्रू जब तक उसको टांग जोड़े नहीं तब तक सिक्रू जुड़ा रहता है। और हम कोशिश ये करेंगे न कील से बल्कि अपना स्पोर्ट्स से, चाहे वो जोड़ने का काम हम वो करेंगे, और जहाँ टीम टूटे किसी का तो उसको वहाँ जोड़ने, उसके लिए भी कुछ ना कुछ, लेकिन एक हमारा जरिया जो, हमारा पेट जो, वही सिक्रू है। और सिक्रू के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पंकज भैया का, विपिन भैया का।